Bismillah ar-Rahim Assalamu Alaikum. Dear student, today is our fourth lectures of Mathematics Condon Class 8. Topic is Unit 1, Operations on Set. The name of unit? Operations on set. एक्सरसाइज वन आज जो हम एक्सरसाइज़ वन में से क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर किया था उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर की समझ आ गई होगी उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आज आगे फिर करेंगे यानी कि इसमें भी हमें इंटरसेक्शन यूनियन को ही फाइंड करना है सो so, आज जो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें देखें क्वेश्चन नंबर फाइव है आप अपनी बुक पे देखें लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फोर में आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखा था इस वाले क्वेश्चन नंबर फाइव में हम यूनियन फाइंड करना सीखेंगे सो इसमें पार्ट फर्स्ट में आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट वन में ए सी एंड डी और सेट बी में आपके पास जो एलिमेंट हैं वो है ए बी सी एंड डी जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि उसमें अगर सेट के नेम्स नहीं दिए हुए तो हमने जस्ट सेट वन और टू इसको कॉल करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है सेट ए के यानी कि से, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए सी डी ऐसे आप लिखेंगे विद द साइन ऑफ इक्वल फर्स्ट पे आप साइन डालें इक्वल का देन पुट द ब्रैकेट्स कली ब्रैकेट स्टार्ट ए सी डी कली ब्रैकेट क्लोज पुट द साइन ऑफ यूनियन नेक्स्ट अब आप करेंगे सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नीचे लिखेंगे उससे पहले हम कली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं फिर हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी एंड कली ब्रैकेट क्लोज सो अब हम हाँ, जैसे कि इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि उसमें जस्ट कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं जबकि यूनियन सेट में हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं अगर एक एलिमेंट टू टाइम रिपीट हो रहा तो उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपके पास दोनों सेट्स में ए जो है कॉमन है यानी ए इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेट बट वी राइट ओनली वन टाइम सो यूनियन सेट जो हमारा क्रिएट होगा या बनेगा वो है यू इक्वल टू कली ब्रैकेट स्टार्ट ए नेक्स्ट एलिमेंट इज बी बी इज प्रेजेंट इन सेकेंड सेट नॉट इन फर्स्ट सेट सो बी जो है यहाँ पे एक ही दफ़ा आया है तो हम नेक्स्ट हम लिखेंगे बी फिर हमारा सी सी कॉमन है दोनों सेट्स में लेकिन हमने दो दफ़ा नहीं इसको लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखा जाएगा सी इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास डी डी आल्सो गवन इन बोथ द sets बट वी राइट ओनली वन टाइम डी क्योंकि जैसे कि हमारे अगर सेट में हम कोई भी रिपीट करके नंबर्स हो या अल्फ़ेब्स हो लिखेंगे तो वो सेट सेट नहीं कहलाता तो इसी तरह जो हमने लिखा डी यहाँ पे एक ही दफ़ा हम लिखेंगे इस तरह जो हमारे यूनियन सेट के एलिमेंट्स बने वो हैं ए बी सी एंड डी दिस इज़ आवर फाइनल सेट जो कि हमने अपने दो सेटों से फाइंड आउट किया सो so, नेक्स्ट हमारा पार्ट है टू पार्ट टू में आप जो देखें तो उसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं थ्री एट एंड फोर और दूसरे सेट में उन्होंने हमें एम टी सेट ये साइन है एम टी सेट का या इसको हम नाल सेट भी कहते हैं और फाइव भी बोलते हैं इस तरह हमने दोनों सेट को क्या करना है यूनाइट करना है सो so, फर्स्ट पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट यानी थ्री एट एंड फोर द अदर सेट देन वी पुट द साइन ऑफ यूनियन एंड राइट द अदर सेट यानी एम्प्टी सेट ये नहीं इनको दो ब्रैकेट्स के साथ शो करेंगे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे चाहे आप एज ये साइन भी लिख सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सो so, सेट की सूरत में लिखेंगे तो ये ब्रैकेट्स में आएगा अब इन दोनों को यूनाइट करें इसके पास तो एलिमेंट्स ही नहीं है सेकेंड सेट में तो हमने क्या करने है? तो जो हमारे है सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं वही हम नीचे लिख देंगे जो हमारा यूनियन सेट होगा थ्री एट एंड फोर अगर हम इसको तरतीब से लिखना चाहें तो हमें थ्री के बाद यहाँ पे फोर लिखना चाहिए था तो हमें यहाँ पे फोर ही लिखना है अब आप आपने यहाँ पे क्या करना है फोर लिखे और यहाँ पे आप एट लिख लें ठीक है यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी है सॉरी सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट थ्री अब इसमें आप देखें फर्स्ट ब्रैकेट्स में आपके पास एलिमेंट्स है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और सेकंड में टू फोर सिक्स एंड एट अब आप क्या करेंगे जैसे कि अब मैंने ऊपर बताया आप सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं देन वी पुट द साइन ऑफ गली ब्रैकेट यानि कि हम गली ब्रैकेट लगाएंगे यानी गली ब्रैकेट स्टार्ट देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व कली ब्रैकेट क्लोज दैन वी पुट द साइन ऑफ यूनियन एंड देन वी स्टार्ट कली ब्रैकेट एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट टू फोर सिक्स एंड एट कली ब्रैकेट क्लोज अब हम तमाम नंबर्स को हम इनको कंपेयर करेंगे तो इसमें जो नंबर टू टाइम यानी कि दोनों सेट्स में आएगा वो हमने वन टाइम लिखना है जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास सेकंड सेट में टू जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमने अपना सेट फाइंड करेंगे वो हमेशा स्मॉल नंबर से ही करेंगे यानी कि उसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको सेकंड सेट में कहा था कि एट की जगह पे फोर और फोर जगह की जगह पे एट लिखे वो इसी था कि इसको हमने सेंडिंग ऑर्डर में लिखना था सो सबसे पहले हमारे पास टू

तो ट्वेल्व इज प्रेजेंट इन बॉड द सेट नो नो सॉरी सॉरी ट्वेल्व इज प्रेजेंट इन ओनली फर्स्ट सेट सो लास्ट नंबर इज ट्वेल्व सो हमारा जो सेट बना वो है टू थ्री फोर फाइव सॉरी सिक्स एट नाइन एंड ट्वेल्व सो यूनियन सेट हमारे पास जो बना वो है टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन एंड ट्वेल्व ओके अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट वन उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव के मैंने जो आपको पार्ट्स करवाए हैं वो हैं तीन यानी कि उसके तीन ही दिए और मैंने तीनों आपको करवा दिए हैं सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसमें देखें उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ लेट यू आपके पास है इक्वल टू जीरो वन टू ए सॉरी सो ऑन एंड लास्ट पे इसका नंबर है नाइन यानी जो डॉट शो हो रहे हैं इसके अंदर आपका थ्री बी आएगा फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन एट एंड देन एंड पे आपका नाइन आएगा सो so अब देखिए आपका ए सेट नेक्स्ट है आपके पास ए सेट ए सेट में आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं वो है ज़ीरो टू फोर सिक्स एंड एट और नेक्स्ट है आपके पास बी सेट बी में आपके पास है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन सी सेट में आपके पास है वन टू थ्री एट और डी में आपके पास है फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दीज आर द सेट्स विच आर गिवन इन योर बुक अब जो हमने इस क्वेश्चन का फाइंड आउट करना है सबसे पहले पार्ट वन में है ए यूनियन सी क्या फाइंड करना है इसका ए यूनियन सी हम सबसे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में फाइंड किए थे यूनियन फाइंड किया था क्या फाइंड नहीं सॉरी उसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर फाइव में जैसे अभी हम हमने पीछे यूनियन फाइंड किए हैं तो इसी तरह सेम यूनियन हम यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड करते हैं यानी ए यूनियन सी इक्वल टू कलि स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए जीरो टू फोर सिक्स एंड एट कली ब्रैकेट क्लोज तो फिर हम क्या करेंगे यूनियन का साइन पुट करेंगे और फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट यानी कि सी के एलिमेंट्स यानी वन टू थ्री एंड एट कली ब्रैकेट क्लोज यानी अब इन तमाम नंबर्स को हमने क्या करना है यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा करेंगे यानी यूनाइट करेंगे अब देखिए तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा है जीरो फर्स्ट फॉर यू राइट जीरो इज प्रेजेंट इन ए सेट बट नॉट इन प्रेजेंट इन बी सेट ओनली वन टाइम आया तो हमने सबसे पहले क्या लिखा देन वी राइट वन वन इज प्रेजेंट इन द सी सेट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए सेट सो वी राइट वन देन वी राइट टू टू इज़ प्रेजेंट इन ए सेट आल्सो प्रेजेंट इन सी सेट अब ये टू टू टाइम्स लिखा हुआ है यानी कि ए में भी है और सी में भी है लेकिन हम क्या यहाँ करेंगे ओनली वन टाइम लिखेंगे यहाँ पर टू क्योंकि मैंने अभी बताया सेट में नंबर्स या जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते सो so, यहाँ पे हमारा टू आ गया नेक्स्ट नंबर इज़ थ्री अब थ्री जो है वो प्रेजेंट है सी में लेकिन वो ए में नहीं है नेक्स्ट नंबर है आपका फोर फोर इज प्रेजेंट इन ए सेट बट नॉट प्रेजेंट इन सी सेट सो वी राइट फोर नेक्स्ट नंबर इज सिक्स आल्सो प्रेजेंट इन ए सेट नॉट प्रेजेंट इन सी सेट नेक्स्ट नंबर इज एट 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 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स बट वी राइट हेयर ओनली वन टाइम एट सो so, हमारा जो ए यूनियन सी का जो सेट फाइंड हुआ है वो है हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर सिक्स एंड एट तो इट्स आंसर ऑफ योर क्वेश्चन यानी ए यूनियन सी सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट टू थ्री फोर फाइव तक जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए सारे यूनियन के हैं जैसे हमने सारे क्वेश्चन नंबर फाइव में यूनियन फाइंड किया सेम ऐसे ही आपने ये सारे क्वेश्चन का यूनियन फाइंड करना है जैसे सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ ए यूनियन डी थर्ड में दिया हुआ सी यूनियन डी आपने पहले ए सी के एलिमेंट्स लिखने और सिर्फ साइन पुट करने दरमियान में और डी के एलिमेंट्स लिख दें और फिर जो जो कॉमन हो गए एक दफा लिखेंगे और बाकी सारे नंबर्स हम इसको लिख लेंगे और नंबर फोर में भी सी यूनियन यू दिया हुआ है यहाँ पे यू सेट आप यूज़ करेंगे और नंबर फाइव में आपको दिया हुआ है ए यूनियन फाइव सेट यानी खाली सेट तो यहाँ पे यूनियन में सारे के सारे ए के एलिमेंट्स ही आपके आ जाएंगे तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में सीखा था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि आपने कल के लेक्चर में जो देखा था क्वेश्चन नंबर फोर वो आपने इस इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखा है सो so, अब इसमें पार्ट सिक्स में हम देखते हैं जो पार्ट सिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी अब ए इंटरसेक्शन बी का साइन आप इसी तरह लिखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कली ब्रैकट स्टार्ट पुट द एलिमेंट्स ऑफ या राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए जीरो टू फोर सिक्स और एड कली ब्रैकट क्लोज देन वी पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन एन एक्स कली ब्रैक स्टार्ट

इसमें हमारे पास सेट ए में है जीरो टू फोर सिक्स एट और उसमें हमारे पास है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स जो है हमारे पास सेम नहीं है तो आवर आंसर विल बी एम सेट यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो खाली सेट होगा सो so, हमारा आंसर क्या आया खाली सेट यानी एम सेट इसको हम क्या कहेंगे नल सेट यानी कि इसके इतने नाम हैं जो आप इसी इसको किसी नाम से भी पुकार सकते हैं सो so नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सेवन अब पार्ट सेवन में भी उन्होंने हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने को कहा है जैसा कि सिक्स में हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी अब यहाँ आप क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड करना है सो सेम क्वेश्चन है यहाँ आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कली ब्रैकेट स्टार्ट वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड कली ब्रैकेट क्लोज यानी कि आपने यहाँ पे सारे कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं बी सेट के एलिमेंट्स इसमें लिखे देन वी पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन देन वी देन वी राइट द कली ब्रैकेट यानी कि हम कली ब्रैकेट का साइन डालेंगे यानी कली ब्रैकेट डालेंगे और देन वी राइट एलिमेंट्स ऑफ सेट सी वन टू थ्री एट एंड कली ब्रैकेट क्लोज यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके पास सी के हैं और ये हैं आपके पास बी के अब आपने क्या करना है इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें कि इनके दरमियान कौन सा नंबर जो है वो सेम आ रहा है सो देखें वन वन इज़ प्रेजेंट इन बी सेट आल्सो प्रेजेंट इन सी सेट सो वी राइट वन हेयर सो नेक्स्ट नंबर इज टू विल बी टू उन्हें चाहिए ना टू लेकिन हम देखें तो हमारे पास सी में टू है बट हमारे पास ए बी में नहीं है तो हम क्या टू लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में कौन से नंबर लिखने हैं जो कॉमन है सो तो हम यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे सो तो नेक्स्ट नंबर देखें थ्री थ्री इज कॉमन इन बोथ द सेट्स देखें थ्री जो है बी में भी है और सी में भी है तो वी राइट थ्री एयर इन आवर फाइनल सेट ठीक है हमने यहाँ पे लिखा थ्री सो नेक्स्ट नंबर देखें फाइव फाइव ओनली प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी सेवन इज प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन प्रेजेंट इन सी नाइन आल्सो प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन सी सो सेम इसी तरह एट जो है हमारे पास सी सेट में है लेकिन वो हमारे पास बी में भी नहीं है तो हमारे पास जो कॉमन नंबर्स आए हैं वो जस्ट हैं वन एंड थ्री तो हमने यहाँ पे क्या लिखा आंसर में वन एंड थ्री अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जैसे कि एट पार्ट है मैंने आपको सेवन वाला पार्ट करवाया सिक्स और सेवन अब एट में सेम क्वेश्चन ऐसा है यानी कि आप अपनी बुक में देखें तो वो है सी इंटरसेक्शन डी यानी कि आपने पहले सी के एलिमेंट्स लेने हैं फिर आपने डी के लेने और फिर उनमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है तो अगर आप देखें सी और डी के दरमियान कोई एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कॉमन होगा आप भी देखें तो देखें आपको भी कोई नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसलिए इसका आंसर भी एम सेट होगा यानी कि यह या हमने ऊपर सॉल्व किया है इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ये आप खुद सॉल्व करेंगे सो so, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नाइन इसमें उन्होंने कहा बी इंटरसेक्शन फाइव यानी नल सेट यानी कि एक सेट में तो आपके पास एलिमेंट्स हैं बी में और बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन और जबकि खाली सेट में जरी बात है खाली सेट है एम सेट है इससे क्या कोई एलिमेंट होगा नहीं होगा सो so इसके एलिमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी जीरो होगा यानी जीरो भी नहीं हम लिखेंगे यानी दो ब्रैकेट्स के साथ इसको हम ये शो करते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी राइट बी इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू कली ब्रैकेट स्टार्ट देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन कली ब्रैकेट क्लॉज एडप द साइन ऑफ इंटरसेक्शन देन वी स्टार्ट दली ब्रैकेट देर इज नो एलिमेंट सो वी क्लॉस दिस सेट विध कली ब्रैकेट सो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जब एक सेट में तो एलिमेंट्स दिएम है दूसरे में कोई नहीं है तो कॉमन नंबर क्या होगा कुछ भी नहीं होगा सो आंसर इज एम टी सेट या नल सेट सो अंडरस्टैंड जिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी इंटर सेक्शन यू नंबर टेन पे आपको मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर टेन यानी कि पार्ट टेन क्वेश्चन नंबर सिक्स का लास्ट पार्ट है सो so इसमें देखें बी इंटर सेक्शन यू हमने फाइंड करना है बी इंटर सेक्शन यू तो बी इंटर सेक्शन यू इक्वल टू कर स्टार्ट एलिमेंट्स वी राइट द एलीमेंट्स ऑफ बी वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन कली ब्रैकेट क्लोज अगर आप जब ये काम कर रहे होंगे तो मेरे साथ साथ इस वीडियो को खोल के आप साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा ऐसा ताकि आप अपना काम भी साथ साथ लिखते जाएं तो आपकी स्पीड मेरे साथ ही होगी तो आपको काम करना इजी हो जाएगा आपके लिए ये वर्णन नहीं होगा सो नेक्स्ट वुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन देन वी पुट द साइन ऑफ कली ब्रैकेट कली ब्रैकेट स्टार्ट ज़ीरो एलिमेंट्स किसके लिखेंगे यहाँ पे यू के यानी यू सेट के ज़ीरो वन टू आंटिल आपने ये नंबर ये डो, डोर आपको शो हो रहे हैं यहाँ आप टू के बाद क्या आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड देन नाइन अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आप इसके ऊपर अपने नंबर्स लिख भी सकते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी ओके okay, नेक्स्ट है, है हमारा इक्वल टू कली ब्रैक्ट स्टार्ट यानी कि जब आपके यहाँ कुछ नहीं लिखता यहाँ पे इक्वल का साइंस रूल डालना है ठीक है नहीं तो क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिरेक्ट हो सकते हैं जब पेपर्स में ये क्वेश्चन आए सो so, हमारा नेक्स्ट है कली ब्रैक स्टार्ट वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन ये कैसे आए आप देखें कंपेयर करें तो सबसे पहले जो हमारा स्मॉल नंबर है वो ज़ीरो जीरो सिर्फ यू में प्रेजेंट है बी में नहीं है अब वन प्रेजेंट है इन बोथ द सेट सो वी राइट हेयर वन क्योंकि हम इंटरसेक्शन में वही नंबर्स लिखते हैं जो हमारे कॉमन होते हैं सो नेक्स्ट नंबर इज टू टू इज़ नॉट प्रेजेंट इन बी बट इट इज प्रेजेंट इन यू सेट क्या हम लिखेंगे इसको नहीं तो हमने यहाँ पे टू क्योंकि कॉमन नहीं है सिर्फ एक ही सेट में इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे सो नेक्स्ट नंबर इज थ्री अब थ्री जो है आपका बी सेट में तो नज़र आ रहा है लेकिन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा यू में लेकिन वो यू में है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको नहीं कंपेयर करने में मुश्किल हो तो यहाँ आपके डॉट्स में सारे नंबर्स नाइन तक लिख लें सो थ्री इज़ कॉमन इन बोथ द सेट नेक्स्ट नंबर इज़ फोर्थ आफ्टर थ्री इज़ फोर यहाँ भी आएगा तो फोर यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो आपका बी में भी नहीं तो फोर नॉट कॉमन हुआ नेक्स्ट नंबर इज़ फाइव फाइव जो है बी में आपको नज़र आ रहा है और यहाँ नहीं है तो फाइव इधर है क्योंकि हमने नाइन तक नंबर लिखे हुए हैं तो फाइव इज कॉमन इन बोथ द सेट वी राइट फाइव देन वी लुक द नंबर नंबर सिक्स नंबर सिक्स प्रेजेंट इन यू सेट बट नॉट इन बी सेट हम जाने लिखेंगे क्योंकि सिक्स जो है वो कॉमन नंबर नहीं है दोनों सेट्स में फिर आ जाएगा नेक्स्ट नंबर हमारा सेवन तो सेवन इज कॉमन इन बोथ द सेट सो वी राइट हेयर सेवन आफ्टर सेवन देयर इज एट एट इज़ नॉट कॉमन इन बोथ द सेट सो so, वी हम यहाँ पे एट जो है वो नहीं लिखेंगे दैन लास्ट नंबर इज़ नाइन नाइन इज प्रेजेंट इन बी सेट आल्सो इन यू सेट सो वी राइट हेयर नाइन तो यहाँ पे हमारे जो कॉमन सेट यानी कि बी इंटरसेक्शन यू का सेट बना वो है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे सो नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सेवन अब क्वेश्चन नंबर सेवन में देखें आपके पास सेट दिए हुए हैं तीन इसमें एक यू सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और लास्ट में आपका है ए में नेक्स्ट है ए में आपके पास जो दिए हुए एलिमेंट्स वो हैं वन टू फाइव एंड सेवन और फिर बी में जो एलिमेंट्स हुए हैं वो वन थ्री सिक्स एंड सेवन यहाँ आपको फर्स्ट में आपको शायद सेवन और इधर सेवन थोड़ा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आप अपनी बुक में देखें तो ये सेवन ही है अब जो इस पर्सन में आपने फाइंड करना है वो है ए कंप्लीमेंट अब आपकी बुक में मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड यहाँ मैंने प्रूव लिख दिया प्रूव करें या फाइंड करें एक इसको आप ही थोड़ा सा सॉरी इसको रिमूव कर दें यहाँ पे आप लिख दें फाइंड सो ए कम्प्लीमेंट जो सबसे पहले हमने फाइंड करना है तो ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला आपके पास ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या हुआ ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए अब इसके लिए अगर अगर आप थोड़ा सा इसका फार्मूला देखने के लिए पेज सेवेंटीन पे देखें रिमेंबर में आपके पास इसकी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है उसमें देखें फार्मूला भी, भी है और डेफिनेशन भी है पेज नंबर सेवनटीन उसमें देखें इफ़ अ सेट इज़ अ सब सेट ऑफ गिवन सब यूनिवर्सल सेट यानी कि ए जो है वो जो गिवन होता है यूनिवर्सल सेट का सब सेट है देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट एंड डिनोटेड एज ए कॉम्प्लीमेंट और फार्मूला इसका ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यानी इसका कहने का मकसद है कि यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर या वो एलिमेंट्स जो गिवन दो दूसरा सेट दिया होता है उसमें प्रेजेंट ना हो उनको हम लिखते हैं तो वो हमारा कौन सा सेट बनता है कॉम्प्लीमेंट का सेट बनता है अब यहाँ पार्ट वन में देखें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इट्स अ फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सो इक्वल टू कली ब्रेकर स्टार्ट सब सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन कली ब्रैकेट क्लॉज एंड यहाँ पे ये यह जो आपको सब्ट्रैक्शन का साइन नज़र आ रहा है यानी माइनस का ये इसको डिफरेंस को शो कर रहा है यानी आपने यू में से जितने भी एक एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देना है और जो बच जाएंगे वो आपके क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का एक सेट बन जाएगा सो कली ब्रैकेट स्टार्ट वन टू फाइव सेवन कली ब्रैकेट क्लॉज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अब आप देखें इनको कंपेयर करें यानी माइनस करें या सब करें तो वन माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया जीरो क्या आप लिखेंगे जीरो नहीं जो माइनस हो जाएगा और आंसर जीरो में आएगा वो हम नहीं लिखेंगे इसी तरह हमारे पास टू जो है इधर भी है उधर भी आप इसको कैंसिल कर दें या आप इसको माइनस कर दें बात एक ही यानी आप इसको साथ साथ काटते भी जाए तो आपका नाम जो बच जाएंगे नंबर आपके इस यूनिवर्सल सेट में वही आपका कम्पलीमेंट सेट होगा आप देखें टू दोनों में प्रेजेंट हैं सो टू इज प्रेजेंट इन बहुत द सेट हम नहीं लिखेंगे सो नेक्स्ट नंबर इज थ्री थ्री इज प्रजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट प्रजेंट इन ए सेट सो वी राइट हेयर थ्री देन वी कंपेयर फोर फोर इज आरसो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इज प्रजेंट इन ए सेट सो वी राइट हेयर फोर यानी फोर माइनस जीरो तो इक्वल टू क्या आपके पास आ जाना चाहिए तो फोर ही आएगा सो नेक्स्ट नंबर इज़ फाइव फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो नहीं लिखेंगे इसी तरह सिक्स माइनस जीरो यहाँ से यानी कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको ज़ीरो शो कर लेते हैं यानी उसको जीरो ले लेते हैं तो फाइव में से ज़ीरो निकाल देंगे तो आंसर में हमारे पास फाइव ही आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा तो फाइव माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो सो नेक्स्ट है नंबर सिक्स सिक्स माइनस जीरो इक्वल टू सिक्स सिक्स में जब भी सिक्स कोई भी नंबर जीरो में माइनस किया जाता है तो वो वापस वही नंबर आता है तो सिक्स हमने यहाँ पे लिखा इसी तरह सेवन दोनों में प्रेजेंट है यानी सेवन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट सो सेवन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो सो हमारे पास जो कॉम्प्लीसमेंट सेट फाइंड हुआ है वो है थ्री फोर एंड सिक्स हाँ जी आर यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं सो so, इसी तरह सेम क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया अब बी इस पर डिफ्रेंस सिर्फ यही होगा पहले हमने एलिमेंट्स लिए ए के लेकिन यू सेट जब भी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है यू सेट सबसे पहले वही आएगा उसमें से हमने ए के निकाले फिर अब हमने क्या एलिमेंट्स निकालेंगे इसके अंदर से बी के निकालेंगे सो देखें फार्मूला बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी अब देखें वहाँ ऊपर आपने यू माइनस ए लिखा था क्योंकि वहाँ पे सेट जो दिया हुआ था उसका नाम था ए सेट अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है बी कॉम्प्लीमेंट और बी सेट से ही वो हमने उसको माइनस करना है सो इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास कली ब्रैकेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू को हम यहाँ पे यूनिवर्सल का सेट भी कहेंगे इट्स नेम इज़ यूनिवर्सल सेट सो कली ब्रैकेट क्लोज देन वी पुट द साइन ऑफ सप्ट्रैक्शन कली ब्रैकेट स्टार्ट वन थ्री सिक्स सेवन एंड कली ब्रैकेट क्लोज सो सेम यानी वही प्रोसेस हम दोहराएंगे यानी वही अमल दोहराएंगे जो हमने पार्ट वन में दोहराया था यानी कि इसको कंपेयर किया था अब इसी तरह हमने वन को कंपेयर करें वन माइनस वन इक्वल टू जीरो क्या वन आएगा कम्प्लीमेंट सेट में नहीं आएगा ओके नेक्स्ट नंबर इज टू टू यहाँ पे आपके यूनिवर्सल में तो है इधर नहीं है तो मैंने यही कहा था जो यूनिवर्सल का नंबर उस दूसरे सेट में नहीं होगा वही हमारे कंप्लीमेंट सेट में आएगा सो so, टू यहाँ पर यूनिवर्सल में तो है बट बी में नहीं है तो वी राइट हेयर टू नेक्स्ट नंबर इज थ्री थ्री दोनों में है थ्री इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट सो थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो क्या यहाँ पर थ्री आएगा नहीं क्योंकि थ्री में से जब थ्री माइनस हो गया आंसर क्या आ गया जीरो सो नेक्स्ट नंबर इज़ फोर तो फोर जो है अब यूनिवर्सल सेट में है बट वो बी सेट में नहीं है तो जो यूनिवर्सल सेट में हो और वो दूसरे सेट में ना हो तो वो क्या आता है कॉम्प्लीमेंट सेट में आएगा तो यहाँ पे आपका फोर आ गया सो नेक्स्ट नंबर इज फाइव फाइव आल्सो प्रेजेंट इन यू सेट बट नॉट इन बी सेट फाइव जो है सिर्फ हमारा यूनिवर्सल सेट में है लेकिन वो बी सेट में नहीं है तो हमारे आंसर में क्या आ गया फाइव नेक्स्ट नंबर देखें सिक्स एंड सेवन अब सिक्स एंड सेवन जो है पहले हम सिक्स को देखते थे सिक्स तो दोनों में प्रेजेंट है तो सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो हम नहीं लिखेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट सेट में सो नेक्स्ट नंबर इज सेवन सेवन माइनस सेवन आंसर क्या आएगा जीरो तो क्या वो नीचे कॉम्प्लीमेंट सेट में आएगा नहीं आएगा सो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट जो फाइंड हुआ है वो है टू फोर एंड फाइव अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थ्री अब जैसे कि हमने पार्ट वन में जस्ट फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट सेकंड में हमने फाइंड किया बी कॉम्प्लीमेंट अब थर्ड में हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ गया उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास ए यूनियन ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी आ गया और इसके ऊपर ये जो डैश नज़र आ रही है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यहाँ पे सी भी छोटा सा लिखा होता है टाइम कुछ बुक्स में तो यहाँ पे जो डैश सी नज़र आ रही है ये साइन है कॉम्प्लीमेंट का तो अब इस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमने सिंपल इंटरसेक्शन फाइंड करना है जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर आपके में भी फाइंड किया था किया था था कि नहीं किया था? तो अब यहाँ भी हम करेंगे देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव में सॉरी हमने फाइंड किया था यूनियन क्वेश्चन नंबर फोर में हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था ऐसे ही था ना हाँ क्वेश्चन हमने फोर में इंटरसेक्शन फाइंड किया तो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी सिंपल हमने लिखा और उसके बाद इक्वल का साइन डाला कली ब्रैकेट सब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए वन टू फाइव एंड सेवन ब्रैकेट क्लोज पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन देन वी पुट द साइन ऑफ करी ब्रैकेट देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी वन थ्री सिक्स सेवन एंड कली ब्रैकेट क्लोज अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है इन नंबर्स को कंपेयर करना है जो सेम नंबर होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे आप जैसे देखें वन वन इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेट वी राइट हेयर वन टू फाइव इज नॉट प्रेजेंट इन द बी सेट और इसी तरह थ्री और सिक्स जो है वो आपके ए सेट में नहीं है तो सेवन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट सो वी राइट हेयर सेवन सो आवर कॉम्प्लीमेंट सॉरी आप आवर जो इंटरसेक्शन हमने हमारा फाइंड हुआ वो ए इंटरसेक्शन बी जो था वो वन एंड सेवन अभी जस्ट हमने सिंपल वाला इंटरसेक्शन फाइंड किया है अब जो इसका असल क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी हॉल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए आप देखें आप देखें ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज और ये आपको कम्प्लीमेंट का साइन दिया हुआ है और उसका फार्मूला जैसे U माइनस ए इंटरसेक्शन बी जैसे हमने पीछे किया u माइनस ए यू माइनस बी वहाँ पे सिंगल सेट था इसलिए हमने यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यानी सेट तो ये भी सिंगल है लेकिन हमने यहाँ इस चीज़ को पहले ऊपर फाइंड किया यानी आप ये वाले एलिमेंट्स हमने इसके लिए लेने ए और बी के अलग अलग से नहीं लेने अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले आपने यू सेट लिखा यानी यूनिवर्सल सेट लिखा इक्वल टू कली ब्रैकेट स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कली ब्रैकेट क्लोज पुट द साइन ऑफ माइनस या सब्रैक्शन फिर कली ब्रैकेट स्टार्ट वन एंड सेवन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी कली ब्रैकेट क्लोज अब आप इसको क्या करेंगे हमने यूनिवर्सल सेट्स के साथ जो गिवन सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी सेट है उसको उसमें से माइनस कर देना है जो हमारे एलिमेंट्स बच जाएंगे वही हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट होगा अब देखें वन वन दोनों में है तो वन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो अब टू जो है सिर्फ आपका यू में प्रेजेंट है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में नहीं है सो वी राइट है टू इसी तरह थ्री थ्री सिर्फ प्रेजेंट है आपका यूनिवर्सल सेट में तो यहाँ पे आपका थ्री आ गया इसी तरह फोर फोर भी सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है तो वो आपका यहाँ फोर आ गया नेक्स्ट नंबर इज फाइव फाइव आर सो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट तो वी राइट हेयर फाइव सिक्स सिक्स आर सो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट वी राइट हेयर सिक्स अब देखें लास्ट पे नंबर जो सेवन है सेवन को हम कंपेयर करें दोनों सेट आपको नजर आ रहा है कि सेवन दोनों सेट्स में अब जो हमने वही नंबर्स लिखने हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल में है लेकिन दूसरे सेट में ना हो तो अब सेवन तो दूसरे सेट में है तो यानी सेवन माइनस सेवन इक्वल टू क्या आ गया जीरो तो क्या हम यहाँ सेवन लिखेंगे नहीं सो आवर कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड हुआ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट तो वो है हमारा टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज़ आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर थ्री नेक्स्ट so है हमारे पास पार्ट फोर अब पार्ट फोर में जैसे कि अभी हमने पिछले पार्ट में हमने क्या किया था ए इंटरसेक्शन क्या फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी हॉल कंप्लीमेंट फाइंड किया है अब यहाँ क्या हमने पार्ट फोर में करना ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट यानी पीछे हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है तो इस क्वेश्चन क्वेश्चन में हमने यूनियन को फाइंड करना है सो ए यूनियन बी इक्वल टू आपने सेम वही पहले यूनियन का सिंपल फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ बी वन थ्री सिक्स एंड सेवन अब आप इनको क्या करेंगे इकट्ठा करके लिखेंगे यूनाइट करके लिखेंगे तो आप देखे वन टू टाइम्स है तो हमने वहां पे वन एक दफा ही लिखेंगे अपने फाइनल सेट में then we write 2 2 is present in a but not present in b set next number is 3 3 is present in b set but not present in a set we write here 3 or next number is 5 5 is present in a not present in b or then number 6 come after 5 the 6 present in b set not in a last number is 7 7 is present in both the set बट वी राइट वन टाइम सेवन इन आवर ए यूनियन बी सेट यानी कि हमने ए यूनियन बी सेट में सिर्फ सेवन को वन टाइम लिखेंगे सो so, जो हमारे पास हम हमारे पास जो अब जो सेट फाइनल हुआ है वो है यानी ए यूनियन बी जो हमें मिला है वो वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन सो नेक्स्ट है हमारे पास अब जो हमने असल चीज़ फाइन करनी है वो एनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो अब ये जो हमने ए यूनियन बी सिंपल फाइंड किया उसका सेट लेंगे और यूनियन से यानी यूनिवर्सल सेट लेंगे सो ए यूनियन बी हॉल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी ये फार्मूला है आपका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का सो so, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा यू के एलिमेंट्स यानी यूनिवर्सल सेट के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन पुट द साइन ऑफ माइनस देन वी राइट द एलीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी so वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन अब क्या करना है आपने आपने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनिट बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे माइनस करेंगे सो फर्स्ट पे देखिए वन माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यानी वन दोनों में प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे टू आर सो प्रेजेंट इन बौद्धा सेट यहाँ भी यानी टू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं लिखा जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास थ्री थ्री इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेट यानी थ्री माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो नेक्स्ट नंबर इज़ फोर फोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है ए यूनियन बी में नहीं है तो क्या ये हमारे आंसर में आएगा यस yes. यानी कि हमने वो कॉम्प्लीमेंट में वो सेट लिखने नंबर्स लिखने हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल में तो हैं बट वो अदर सेट में नहीं है सो वी राइट है फोर नेक्स्ट नंबर फाइव फाइव इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट सेवन इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट सो आवर कॉम्प्लीमेंट जो सेट फाइंड हुआ ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है फोर अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट वन आप क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास uh, वो है क्वेश्चन नंबर नाइन और वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह सो अल्लाह हाफिज थैंक यू आज का जो काम यही है आपका होमवर्क कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनको रिवाइज करें और जो पार्ट रह गए हैं यानी कि रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करें और ये आपका होमवर्क है ओके अल्लाह हाफिज़